तो अभी आप एक बात बताइए, हम लोग कितने साल बाद आए? अराउंड 2 ईयर। मेरा 2 ईयर्स नहीं हुआ। तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, दिसंबर में 2 ईयर्स कंप्लीट होगा। इतना साल बाद आते हैं तो जैसा लगता है बहुत दिन बाद आ रहे हैं ना। और उसके बाद इंडिया आने के बाद कैसा रहा वेकेशन? वेकेशन अच्छा ही रहा। किधर गए हम लोग? तारापीठ गए। तारापीठ गए? किधर गए थे? पगलावा का मंदिर गए। पगलावा मंदिर गए। काली घाट गए। देवघर गए। देवघर। उसके बाद इधर ट्रेन से फिर एक फ्रेंड का घर भी गए। अच्छा घूमे इस बार, बहुत अच्छा घूमे। हाँ। घर में हमारा पूजा हुआ इतना अच्छा से। हुआ। हाँ, और सबसे बड़ा खुशी था मम्मी आई आशीर्वाद मिला। हाँ, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। और इतना अच्छा से पूजा हुआ। पंडित जी बहुत अच्छा से समझाए, बोले भी कि जितना दुख है जो भी है आपका आसपास, सब कट गया, सब निकल गया। और आज जो भी हुआ है ठाकुर जी, पंडित जी भी अच्छे मिले हम लोग। हाँ। और पंडित जी जो हम लोग का इतना अच्छा मिले, बहुत अच्छा से पूजा करवाए। हाँ। सब चीज समझाए। हाँ। और जो मम्मी को भी बहुत पसंद आया। हाँ। मम्मी को भी पसंद आया। और ये सब हुआ एक ही वजह से, भैया नंबर दिए पंडित जी का, तो उनसे कांटेक्ट किए। तो अब हमको पता नहीं था, इसीलिए भैया से पूछे थे। तो भैया बोले, भैया की वजह से ही ये पंडित जी मिले। ये पंडित जी अच्छा है। और भैया दिए होंगे तो अच्छा ही दिए। तो हर साल यही पंडित जी को बुलाया जाएगा, सही है ना? थैंक यू बोलिए भैया। थैंक यू भैया। वीडियो देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। पंडित जी ये बोले थे, आप सुने कि आज जो भी यहाँ बैठा है, घर में हुआ है, और जितना भी हुआ है सब ठाकुर जी का मर्जी था, वही हुआ है। और इसीलिए ठाकुर जी का खाना भोग लग गया है, और इसीलिए खाना इतना टेस्टी हो गया। और किरण भी अच्छा खाना बनाई थी। किरण भी अच्छा बना। तो ये क्रेडिट पूरा किरण को जाता है कि वो बहुत अच्छा भोग बनाई थी। और हमारा घर का पूजा तो तभी अच्छा होना ही था क्योंकि मम्मी आई, वो तो अच्छा होना ही था। सही बात। तो ये चीज हुआ। उसके बाद अब हमको कहीं घुमाने नहीं लेके गए। उसके बाद हम घर में ही पड़े हुए। मोमो खाने गई, वो तो बड़ा बाजार घूमने गई, तो थोड़ा थोड़ा शॉपिंग करना है। हाँ। वो इसलिए फिर धमतल्ला ले गए, तुमको शॉपिंग करवाए। 10,000 का शॉपिंग उधर हुआ तुम्हारा, अराउंड 10,000 हो गया ना। 8,000-10,000 में फर्क कितना है? जो भी है, मतलब सब मिला के मेरा वेकेशन बहुत अच्छा था। अच्छा थैंक्स टू गॉड। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि बाबा को हम लोग खुश कर दिए। पहले बाबा को खुश किए, फिर माँ को खुश किए। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 महीना सावन माने दुबई में सब्जी का नाम है चिकन, और चिकन का नाम है चिकन। कुछ आपको मिल ही नहीं सकता है खाने के लिए। चिकन चिकन चिकन, शवरमा में चिकन, कहीं और जाइए चिकन। कुछ जल्दी बनाना है चिकन, इजी कुछ बनाना है चिकन, कुछ भी है चिकन। किसी के और एक्सपेंसिव भी हो जाता है ना वेजिटेबल उधर। हाँ, वेजिटेबल बनाने में टाइम लगता है। हाँ, किसी से ले के खा रहे हैं, दीदी आपने क्या बनाया? चिकन। उसके पास क्या है? चिकन। कोई आके दे रहा है, दीदी ले लो। मतलब चिकन ही खाते थे हम लोग। बट फिर भी भगवान का आशीर्वाद से 2 महीना हम लोग को चाह ही नहीं था कि हम लोग खाए। बहुत बहुत अच्छा। हम तो भोलेनाथ खुश हो गए। हाँ। और आप तो साक्षात मेरा भोलेनाथ है, भगवान है आप मेरा भगवान। तो इसीलिए मेरा वेकेशन बहुत अच्छा था। और सबसे बड़ा क्रेडिट जिसके लिए अच्छा हुआ है, वो है हमारा मैडम। मैडम हमको आने दी, इसके लिए हम वर्ड्स में मैडम को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि मैडम तो मेरा वीडियो देखती नहीं होगी हमको लगता है, लेकिन कोई ना कोई जरूर मैडम को बोलेगा। हम चाहते हैं कोई बोले
क्योंकि मेरा वेकेशन अच्छा रहा सिर्फ मेरा बॉस के लिए कि वो हमको आने दी, और ये जो लग्जरी मोमेंट था मेरे लिए वो हम इंजॉय किए मेरा कोलकाता में आके, बिकॉज आई लव माई कोलकाता भालो बासा, मेरा भालो बासा यहीं पे है। और हम आप हमको बोले भी कहीं और घूमने जाने के लिए, बट हम नहीं गए, हम बोले सबसे पहले हमको कोलकाता जाना है, क्योंकि कोलकाता से हम बहुत जुड़े हुए हैं। हम जैसे ही हम लोग का फ्लाइट लैंडिंग होता है ना, आपको हम यकीन नहीं दिला सकते कि हमको क्या फील होता है। ऐसा लगता है ना कि पता नहीं एक अजीब सा खुशी होता है हमको, और जब जाते हैं तो वही दुख होता है कि हम जा रहे हैं। तो ओवरऑल ऑल मिला के मेरा वेकेशन मस्त था, मस्त मस्त बहुत अच्छा था। बस दुख इस चीज़ का हुआ कोई काली घाट में खसी नहीं काटा, खाने नहीं गए हैं। दूसरा चीज, किसी का शादी नहीं हुआ, किसी का शादी में भी खाने नहीं गए, ये चीज। बाद बाकी सब अच्छा हुआ। हाँ, अभी लगन नहीं है ना इसीलिए। हाँ, ये बात भी है। और तो तुमको तो आंटी बुलाई थी, तो अभी शॉर्ट में वेकेशन शेष हो गया टाइम, तो नहीं जा पाए। चाची बुलाई थी ना। हाँ, अल चाची भी क्या सोच रही होगी कि बुलाए आई नहीं, लेकिन हमको भी जाने का मन था बट टाइम नहीं है, क्योंकि अगर उधर जाएंगे तो कोई और काम रह जाएगा, लिमिटेड टाइम है और इसी में हमको सब कुछ करना है। सही बात। बट सब मिला के मेरा वेकेशन 23 का मस्त था, यादगार वेकेशन है। बहुत जगह घूमे, और घूमे इसलिए क्योंकि बाइक नहीं था, इसीलिए ऐसा लग रहा है बहुत घूमे, इसीलिए बहुत घूमे। ट्रांसपोर्ट का बहुत प्रॉब्लम है यार, इधर कहीं भी जाओ तो 1-2 किलोमीटर आगे पैदल चल के फिर। लेकिन यहाँ पे बस में जाने का, ऑटो में जाने का एक अलग ही मजा है, है ना? वो दिन जो हम लोग जा रहे थे धमतल्ला, रिक्शा वाला चले जाते, साइकिल वाला चले जाते, ए साला बस वाला की भावे जा गाड़ी चलाते। पीछे एक तो काकू बैठा था, कितना चिल्ला रहा था। हाँ, बहुत चिल्ला रहा था। ये सब का एक अलग मोमेंट है, और ये हम तभी समझते हैं कि हमारा सिटी हमारे लिए कितना मायने रखता है, क्या खुशी देता है जब हम अपना सिटी, अपना देश छोड़ के विदेश में रहते हैं, तब हमको यकीन होता है कि हम अपना कंट्री से, अपना सिटी से कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मिस करते हैं। हम लोग हैं बिहारी, ठीक है, हम हैं बिहार के, लेकिन हमारा सिटी है कोलकाता, क्योंकि हम कोलकाता में बड़े हुए, हम हैं बिहारी है, बट हमको कोलकाता से बहुत प्यार है, बहुत जुड़े हुए, बहुत ज़्यादा जुड़े, और हम चाहते हैं कि अगर हम मरें तो हमको कोलकाता में लाया जाए, कहीं और न दफनाए, क्योंकि मेरा आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है हमको कोलकाता से। सो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू मैडम कि हम इतना अच्छा वेकेशन इंजॉय किए, बहुत खुश है, जितना स्ट्रेस था, टेंशन था, सब खत्म हो गया, और यहाँ से फिर से बहुत प्यार लेके जा रहे हैं, बहुत याद लेके जा रहे हैं, और यही याद और प्यार के साथ फिर से वहाँ रहना है, और फिर जब भोलेनाथ चाहेंगे तो फिर से आएंगे, है ना? सही बोले या गलत? सही बोले, सब उन्हीं का मर्जी से होता है ना। बस।